हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो यह है चैप्टर नंबर 21 एंड चैप्टर नंबर 20 में हमने बात की थी ब्लेंडर के रीमेश मॉडिफायर के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो जाइए उस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बताया कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की टोपोलॉजी और कैसे भी किसी ऑब्जेक्ट को रीमेश कर सकते हो, जिससे कि आपका जो मैश है, जो शेप है, वो मेनटेन रहे और आपका जो मैश है वो भी कम हो जाए। ओके, एंड आज हम जिस मॉडिफायर की बात करने वाले हैं वो है स्क्रू मॉडिफायर। वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एक मॉडिफायर है जिसके थ्रू हम काफ़ी आसानी से बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप की मॉडलिंग कर सकते हैं। तो हम इसे और कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले से एक एग्जांपल बना के रखा हुआ है। अगर मैं अपने फ्रंट व्यू में जाऊँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक ग्लास का एक शेप बना के रखा हुआ है। ओके, ये एक वाइन ग्लास का शेप है जो मैंने वर्टेक्सिस को ऐसे शेप दे के बनाया है। ओके, एंड अगर आपको इसकी प्रोजेक्ट फाइल चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी प्रोजेक्ट फाइल दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं खुद। तो अगर आपको इसकी प्रोजेक्ट फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको ये प्रोजेक्ट फाइल और ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस अपने शेप को सिलेक्ट करूँगा, एंड शेप को सिलेक्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये शेप जो बनाई है उसका अगर आप ध्यान से देखेंगे जो उसका जो इनसाइड पार्ट है वो मेरा जो दोनों एरिया का जो इनसाइड पार्ट है वो एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन एंड सेम एंगल पे है। अगर ये आगे पीछे होगा तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस पर ऐड करूँगा स्क्रू मॉडिफायर यहाँ से जाके, ठीक है। एंड देखिए जैसे ही मैंने इस पर स्क्रू मॉडिफायर ऐड किया हमारा जो ग्लास है वो ओवरऑल पूरा एक बन चुका है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि स्क्रू मॉडिफायर काम कैसे करता है और इसने ये कैसे ये ग्लास को बना दिया, ठीक है। तो स्क्रू मॉडिफायर बेसिकली क्या काम करता है, जो भी हम ये एज बनाते हैं उनके जो एजेस हैं उनको ये एक्सट्रूड करता है अकॉर्डिंग टू द एंगल, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एंगल लिखा रहा है सबसे ऊपर, ठीक है। अगर मैं इस एंगल को कम करूँगा तो आप देखिए जो ग्लास है ये बेसिकली कम होते चले जाएगा, ये देखिए। एंड इसमें सबसे बढ़िया बात ये है कि आप इस एंगल को भी एनिमेट कर सकते हैं, इसको बनते हुए दिखा सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि 360 डिग्री में कोई भी चीज़ एक सर्कल बन जाता है, एक परफेक्ट सर्कल बन जाता है, इसलिए ग्लास ऑटोमेटिक 360 डिग्री पे सेट था। जब भी हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको यूज़ करते हैं तो 360 पे सेट रहता है, इसलिए इसने ग्लास परफेक्टली 360 बना लिया है। ओके, देन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वो है स्क्रू का। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये स्क्रू का ऑप्शन मैं आपको दूसरे ऑप्शन के साथ बताऊँगा कि आप बेसिकली इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको उस नीचे की चीज़ें बता देता हूँ जो बेसिकली इसमें आपको मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक ऑप्शन है वो है स्टेप व्यू पोर्ट एंड स्टेप रेंडर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंट है, बेसिकली जो स्टेप व्यू पोर्ट है ये बेसिकली अगर आप यहाँ देख सकते हैं अभी जो हमारा ग्लास है वो 360 सर्कल तो हो गया है, बट यहाँ पे जो आप देख सकते हैं काफ़ी एजेस है, काफ़ी एजी है, काफ़ी लो पॉली लग रहा है। आपको अगर ये ग्लास स्मूथ करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, तो आप यहाँ से इसके स्टेप इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैं इसके स्टेप इंक्रीज़ करूँगा ये मोर सर्कल बनता चला जाएगा, देखिए, ठीक है। पर यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है रेंडर, एक है स्टेप व्यू पोर्ट और दूसरा स्टेप रेंडर। तो जो स्टेप रेंडर है बेसिकली क्या होगा कि यहाँ आपने अगर 108 व्यू पोर्ट कर दिया, अगर आपका यहाँ सर्कल स्मूथ हो गया, पर अगर मैं इसे रेंडर करूँगा प्रेसिंग दी F12 तो अभी भी हमको वो काफ़ी ईजी दिखेगा, क्योंकि हमको व्यू पोर्ट के साथ साथ रेंडर वाले स्टेप भी इंक्रीज़ करने होंगे। अगर हम रेंडर वाले स्टेप इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो हमको रेंडर कुछ ऐसा ही दिखेगा, एकदम एजी सा। तो आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि आप व्यू पोर्ट को 1% के लिए कम कर सकते हैं, पर अगर आप जो आपका जो फाइनल रेंडर है उसमें आप मतलब जो अमाउंट है वो हाई ही रखें। तो देखिए अब मैं इसे रेंडर लूँगा तो ये काफ़ी स्मूथ ग्लास निकलेगा, जो कि आप देख सकते हैं कि व्यू पोर्ट पर नहीं है। पर मेरा माने तो आप दोनों ही सेम रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। देन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वो है मर्ज बेसिकली। और ये मर्ज कैसे काम करता है, अब यहाँ देख सकते हैं कि जब हमने इसको 360 डिग्री घुमाया तो स्टिल यहाँ पे एक चीज़ अभी आप देख सकते हैं ये सर्कल दिख रहा है, और जो ये सर्कल दिख रहा है इसका जो रीज़न है बेसिकली वो वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जो मिल रहा है, एंड जब ये 360 डिग्री घूमता है तो ये जो बेसिकली है कभी कभी तो ऑटोमेटिक अच्छा मर्ज हो जाता है, बट कभी कभी ये मर्ज नहीं होता। जब ये मर्ज नहीं होता तो आप देख सकते हैं ये इस टाइप का एक पिंच बना देता है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है। तो इस पिंच को हम ठीक करने के लिए यहाँ पे मर्ज ऑन कर देते हैं। हम जैसे ही हम इसे मर्ज को ऑन करेंगे आप देखिए वो जो पिंच था वो गायब हो गया, हमारे पास एक परफेक्ट सर्कल एंड एक परफेक्ट ग्लास का एक शेप दिखता है यहाँ पे, ठीक है। एंड सबसे बढ़िया बात है आप यहाँ से इस मर्ज को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें। एंड अगर मैं इसको अगर हल्का से इसके एडिट मोड में जाऊँ
और जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था कि अगर ये दोनों लाइनें परफेक्ट नहीं होंगी तो जो ये हमारा गैप है इस पे होल दिखने लग जाएगा, जो ग्लास है बेसिकली उस पे होल दिखने जाएगा। उसका रीज़न देखिए ये है, ये देखिए ये इस टाइप का होल बना देता है। हम इसको मर्ज के थ्रू फिल तो कर सकते हैं देखिए, बट स्टिल वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे पैचेस दिखा देता है जिससे वो ये कुछ चीज़ें सही नहीं रखती हमारी। ओके तो ध्यान रखिए जब भी आप कोई ऐसी शेप बना रहे हो जिससे आपको स्क्रू करना हो तो मेक श्योर कि उसका जो इनसाइड पार्ट है वो सेंट्रल लाइन रहे, दोनों का शेप सेम रहे। ओके एंड यहाँ पर अगर आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊं तो अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी ओवरलैप हो रही है अगर आप ध्यान से देखें तो। अब इसका जो रीज़न है बेसिकली वो है नॉर्मल्स, अगर हम यहाँ पर आएँ तो ठीक है। और नॉर्मल्स बेसिकली क्या होते हैं, नॉर्मल्स एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बेसिकली बताती है ठीक है। इसमें हमको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का नॉर्मल पता करना हो तो हमको यहाँ जाना होगा, यहाँ पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फेस ओरिएंटेशन। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखिए ये हमारी फेस ओरिएंटेशन है। अभी क्या है जो इसके नॉर्मल्स हैं वो उल्टे हुए पड़े हैं, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो आउटर पार्ट है वो ब्लू होना चाहिए एंड जो इनसाइड वाला पार्ट है वो रेड होना चाहिए, पर इस टाइम ये उल्टा हुआ पड़ा है। तो मतलब हमारे जो नॉर्मल्स हैं वो बेसिकली उल्टे हैं अभी। मतलब अगर हम इस पर कोई टेक्सचर वगैरह लगाएंगे या फिर यहाँ से हम उसको अनरैप करके सब्सट्रांस प्रिंटर या वगैरह में ले जाएंगे तो उसके जो हमारा जो टेक्सचर होगा बेसिकली वो हमें अच्छे से शो नहीं करेगा बिकॉज क्योंकि वो जो नॉर्मल्स हैं हमारे भी उल्टे हैं। तो उनको हम सीधा कैसे कर सकते हैं, उसके काफ़ी तरीके हैं, पर अगर आप स्क्रू मॉडिफायर के थ्रू कोई चीज़ मॉडल कर रहे हैं तो आप यहीं से अपने नॉर्मल्स को फ्लिप कर सकते हो। एंड देखिए मैं यहाँ से अगर फ्लिप करूँगा तो देखिए हमारे जो नॉर्मल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से फ्लिप हो गए हैं ठीक है। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है, वो आता है कैलकुलेटेड ऑर्डर। तो बेसिकली क्या होता है, अभी तो ये नॉर्मल सा हमने एक मॉडल बनाया, एक ग्लास बनाया, बट कभी कभी क्या होता है कि हम कोई कॉम्प्लिकेटेड शेप बना रहे, जैसे मान लो हम स्क्रू के थ्रू हम कोई रोप वगैरह बना रहे हैं एंड उसमें हमने एरे यूज़ किया और एरे यूज़ करने के बाद हमने उसमें हम उसको स्टेप इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो क्या होता है कि उस सिचुएशन में जो जो नॉर्मल्स होते हैं बेसिकली वो कहीं और डायरेक्शन में चले जाते हैं, कभी कोई और डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो वहाँ पे ये जो कैलकुलेटेड ऑर्डर है वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप इस कैलकुलेटर ऑर्डर को ऑलवेज ऑन रखिए क्योंकि ये हमेशा अच्छे से काम करता है। आप देखिए जो हमारे जो उसके जो नॉर्मल्स हैं बेसिकली उसने क्या किया कि अगर हम कहीं इसको टेक्स्चर के लिए ले जाएंगे, अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम इसको टेक्सचर के लिए ले जाएंगे, अगर हम इसको फ्लिप इसका ऑन कर दो ऐसे, तो हम इसको कहीं भी अगर हम टेक्सचर के लिए ले जाएंगे तो हमें इसका आउटर नहीं इसका इनसाइड वाला पार्ट भी हमें टेक्सचर करना होगा ठीक है। तो जब हमने फ्लिप किया था तो उसमें क्या हुआ था, अगर मैं इस कैलकुलेटर को ऑफ कर दूं तो जब इसने फ्लिप किया था तो इसने इसका आउटर पार्ट के नॉर्मल तो सही कर दिए थे पर जो इनसाइड पार्ट जो तो दिख रहा है अभी भी उसके जो नॉर्मल थे वो उल्टे ही थे। तो जो कैलकुलेटेड जो ऑर्डर होता है वो क्या करता है कि इन दोनों के बीच में जो गैप हो जाए, जो थिकनेस होती है जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था बनाना, अगर मैं दिखाऊँ तो अगर मैं इसको थोड़ा सा कम करूं तो ये देखिए इसने जो नॉर्मल्स हैं वो अब एग्जैक्टली अंदर की साइड डाल दिए जो एग्जैक्टली बहुत सही है। अब जो नॉर्मल है अंदर और बाहर दोनों के परफेक्ट नॉर्मल्स हैं। ओके आई होप आपको नॉर्मल्स अच्छे से समझ में आ गए हो। एंड अगर हमको मैनुअली कोई नॉर्मल्स हटाने हो तो उसके भी शॉर्टकट की है, वो मैं अभी आपको करते करते बताऊंगा आप कैसे नॉर्मल्स चेंज कर सकते हैं। पर नॉर्मल देखने का जो तरीका है वो यही है, यहीं से फेस ओरिएंटेशन से। ओके एंड आप देखिए जैसे ही मैंने इसका नॉर्मल फ्लिप किया, जैसे कि यहाँ पर अभी वो ऑप्शन ये चीज़ आ रही थी, एक गैप टाइप का आ रहा था, वो बिकॉज लैक ऑफ नॉर्मल की वजह से हो रहा था। जैसे ही मैं इसका कैलकुलेटेड ऑर्डर करूँगा तो वो सही हो जाएंगे। ओके तो यहाँ के हमारे ऑप्शंस हो गए हैं। अब मैं आपको कुछ और चीज़ बताता हूँ कि हम इससे और कैसे कैसे चीज़ें बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इस क्लास को डिलीट करता हूँ या फिर मैं उसको हाइड ही कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर मैं एक ऐड करता हूँ सर्कल ठीक है, उसके थोड़े से मैं स्टेप वर्टिसेस कम कर देता हूँ, 16 ले लेते हैं। एंड इसका जो हम एडिट मोड में जाएंगे सबसे पहले और टॉप व्यू से जाके इसका जो ओरिजिनल पॉइंट्स है इसको थोड़ा सा हम यहाँ ले आएंगे ऐसे हल्का सा। ओके यहाँ ले आएंगे एंड उसके बाद उसको हल्का सा हम रोटेट कर देंगे कुछ ऐसे परफेक्टली 90 डिग्री ठीक है, हल्का सा ऐसे हम छोटा भी कर देंगे। ओके एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो ये स्क्रू मॉडिफायर है ये हमेशा
ओरिजिन पॉइंट से ही चीज़ों को स्क्रू करना स्टार्ट करता है, मतलब उसमें मैश फिल करना स्टार्ट करता है। तो जब भी आप स्क्रू मॉडिफायर यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर आपका जो बॉडी, जो आपका ऑब्जेक्ट का जो पाइवट पॉइंट हो वो सेंटर में हो। अगर वो नहीं होगा तो आपका स्क्रू सही से नहीं होगा। अब देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, अगर हम इस पर अब स्क्रू मॉडिफायर लगाएंगे तो देखिए क्या बनता है। जैसे मैंने उसको स्क्रू मॉडिफायर लगाया, हमारे पास एक अच्छी खासी एक रिंग आ गई है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जो स्क्रू का काम क्या है यहाँ पे, जो मैंने छोड़ दिया था पहले। तो जैसे ही मैं उस स्क्रू को इंक्रीज़ करूँगा, देखिए यहाँ पे ये काइंड ऑफ स्प्रिंग बना रहा है। ओके, अगर मैं इसका यहाँ से एंगल बढ़ा के 2000 कर दूँ तो अब देखिए यहाँ पे इसने ऐसा कुछ बना लिया। पर अभी आप देख रहे थे हमको ये ट्राइंगल से देख रहे हैं काफ़ी, क्योंकि इसके अंदर जो है मैश सही से नहीं है। अगर मैं इसका वायर फ्रेम इनेबल करके आपको दिखाऊं तो देखिए इसके अंदर जो ये जो बीच के जो मैशेज हैं वो नहीं है, जिसके थ्रू इसमें राउंडनेस नहीं हो पा रही है। तो वो कैसे आएगी, जैसे ही मैं यहाँ पर स्टेप इंक्रीज़ करूँगा, आप देखिए सॉरी जैसे ही मैं यहाँ पर स्टेप इंक्रीज़ करूँगा उसके अंदर वो स्मूथनेस आती चल जाएगी। और देखिए एक टाइम पर अगर मैं उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँ तो मेक श्योर आप दोनों जगह सेम ही रखें रेंडर और व्यूपोर्ट में, ताकि आपको आगे रेंडरिंग में कोई दिक्कत ना आए। तो अब देखिए हमारे पास अच्छी खासी एक स्प्रिंग बन गई है। ठीक है, अब यहाँ से आप एंगल को और छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो एडिशन है बेसिकली ये क्या करता है, चीज़ों को डुप्लीकेट करता है। अगर मैं इसको एक करूँ तो देखिए हमारा स्प्रिंग और ऊपर तक बन जाएगा, अगर मैं और करूँ एक बार तो देखिए हमारा स्प्रिंग और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली उसी चीज़ को रिपीट करता है थोड़ा सा काइंड ऑफ। ठीक है, एंड यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ये एक्सिस ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली क्या काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए आपको इस स्प्रिंग का एनिमेशन करना है कि हाँ ये फंक्शनल हो रही है, मतलब ऊपर नीचे हो रही है, जैसे हमारे जो बाइकों में सस्पेंशन होते हैं उनमें जो ऊपर होती है रिंग ऊपर नीचे, वैसे हम इसमें कैसे कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली यूज़ कैसा होता है कि हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट को एक्सिस ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं, तो जितने भी हम स्क्रू की जो सेटिंग्स हैं फिर हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक एम्प्टी ऐड करूँगा कुछ ऐसे, ठीक है, कोई सा भी ले लो, मैं एरो ले रहा हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, एंड इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि हमारे देखने में आसानी हो। उसके बाद मैं यहाँ गया और मैंने इस एम्प्टी को एक्सिस ऑब्जेक्ट दे दिया। अभी आप देखिए कोई चेंजेस नहीं हो रहा, पर जैसे ही मैं इसको मूव करूँगा तो जैसे जैसे ही मूव होगा वैसे वैसे हमारा जो ये स्क्रू है ये रिएक्ट करेगा। देखिए मैं इसको मूव कर रहा हूँ, उसकी विड्थ बढ़ रही है, देख रहे हैं आप कितने अच्छे तरीके से ये यहाँ पे इसको कंट्रोल कर पा रहा है। ठीक, अगर मैं इसको इसकी एक्सिस चेंज कर दूँ, अभी आप देखिए ये जी एक्सिस पे चल रहा है, अगर मैं यहाँ से इसकी एक्सिस चेंज करूँगा तो ये देखिए ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ से चेंज करूँगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ये एक काफ़ी बढ़िया चीज़ बना देता है, मतलब कुछ केसेस में ये बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, पर ये एक काफ़ी आसान तरीका है इन चीज़ों को बनाने का। ठीक है, अब मैं जैसे इसको फिर से जी एक्सिस पे ले आता हूँ, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वो आता है ऑब्जेक्ट स्क्रू। अब जैसे ही इसे इनेबल करेंगे तो अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको ऊपर करूँगा तो अब देखिए ये ऊपर होगा, जैसे मैं इसको नीचे करूँगा नीचे होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे ये कितने अच्छे से काम कर रहा है। अब आप इस पे एनिमेशन लगा मतलब खुद से एनिमेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर किया और यहाँ पे मैंने इसके लोकेशन की पे एक की फ्रेम लगाया लोकेशन पे, देन मैं यहाँ पर आया 40 फ्रेम पे या फिर 30 फ्रेम पे, एंड देन मैंने इसको फिर जी किया, यहाँ पे इस टाइम ऑटो की ऑन कर लेता हूँ और मैंने इसे नीचे किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ गया और मैंने इसी फ्रेम को कॉपी और पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं इसका एंड फ्रेम 60 सेट करूँगा और इसका एनिमेशन का जो इंटरपोलेशन है वो मैं लीनियर कर दूंगा तो अब ये लूप में चलता रहेगा। देखिए अभी आई थिंक मुझे लगता है इसका थोड़ा फ्रेम रेट कम करना होगा क्योंकि ये काफ़ी स्लो चलेगा, नहीं तो मैं इसको स्केल कर देता हूँ काइंड ऑफ ऐसा। और इसका जो लास्ट फ्रेम है वो मैं रख देता हूँ 25। तो आप देखिए ये देखिए हमारे जो सस्पेंसर है वो कितने अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है। तो हम इसके थ्रू ऐसी चीज़ें भी अच्छे से कर सकते हैं, मतलब हमें अगर सस्पेंसर वाला कुछ इफेक्ट देना है, हालांकि ये हम चीज़ हम कंस्ट्रेनर से भी अच्छे से कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, हम स्क्रू के थ्रू ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं। ओके, एंड आई होप मैंने सारी चीज़ें इसमें समझा दी हो। हाँ, सारा कुछ हो गया, बस नॉर्मल से मैंने बता दिया। बस इसमें एक ऑप्शन रहता है वो है स्ट्रेच यूवी।
तो इसका जो स्ट्रेच यूवी है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस मतलब नॉर्मली क्या होता है कि स्ट्रेच यूवी हम तब यूज़ करते हैं कि हमारे जब यूवी स्ट्रेच हो रहे होते हैं तब हम उसको ठीक करने के लिए हम यूवी यूज़ करते हैं, पर इसमें उल्टा होता है. अब देखिए कैसा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ. फिलहाल मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए. तो यहाँ पर मैं एक प्लेन ले लेता हूँ, शायद प्लेन से ही काम हो जाए. तो बेसिकली क्या होता है, मैं यहाँ पे इसका स्ट्रेच यू ऑन करूँगा. तो देखिए जैसे मैं इसका स्ट्रेच यू ऑन करूँगा एंड उसके बाद मैं इसका जैसे स्ट्रेच ऑन स्टार्ट करूँगा, तो आप देखिए जो बेसिकली क्या हो रहा है, जो हमारा यूवीज है ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ तो ये क्या करता है कि अगर मैं इसका यू ऑन करके रखता हूँ तो देखिए ये पूरे ओवरऑल यूवी को स्ट्रेच कर रहा है यहाँ देखिए. ठीक है, अगर मैं इसका यूवी ऑफ करता हूँ तो देखिए ये जो है ये टेक्सचर खुद से बन रहा है. यहाँ पे देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये टेक्सचर बन रहा है, इसमें तो टेक्सचर बन रहा है, पर अगर मैं इसका यू या फिर वी कुछ भी ऑन कर लूँ तो इसमें क्या होता है कि टेक्सचर स्ट्रेच होता है. क्योंकि अब मुझे इसका ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों होता है ये, क्योंकि कायदे से तो इसमें ऐसे जैसे ये विदाउट यू चल रहा है, मतलब टेक्सचर ऑटोमेटिक बन रहा है. जैसे जैसे शेप इंक्रीज हो रही है टेक्सचर वैसे वैसे क्रिएट हो रहा है, बट इसमें उल्टा होता है. इसमें होता है कि ये स्ट्रेच करने के लिए बेसिकली, तो इसमें क्या होगा कि ये यूवी के अकॉर्डिंग स्ट्रेच होता है. देखिए ओके, हालांकि इसका इतना हमें ज़रूरत पड़ता नहीं क्योंकि अब तो हमारे पास एक और अच्छा ऑप्शन आ गया है, वो है अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक सेकेंड, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्म करेक्ट फेस एट्रीब्यूट, जो काफ़ी अच्छा है. मतलब मैंने आई थिंक जो वीडियो डाली थी न्यू फीचर्स वाली, ब्लेंडर 2.90 वाले के फीचर्स में, तो उसमें आपको ये चीज़ दिख जाएगी, या फिर मैं इसके ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा. ओके तो ये हमारा हो गया है स्क्रू मॉडिफायर. एंड स्क्रू मॉडिफायर से जैसे अगर आपको रोप वोप बनानी हो तो मैं आपको भी थोड़ा सा जल्दी बना के दिखा देता हूँ कि कैसे बना सकते हो. तो उसके लिए बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं टॉप व्यू में गया एंड यहाँ पे मैंने एक सर्कल ऐड किया. ठीक है, एंड सर्कल ऐड करके मैंने उस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है उसे थोड़ा सा यहाँ रख दिया. एंड देन फिर मैंने उसे रोटेट किया. ठीक है, मैं यहाँ से इसका चेंज कर देता हूँ टू दी 3D कर्सर. ठीक है, मैं इसे रोटेट करता हूँ शिफ्ट डी करके, फिर मैं इसे रोटेट करता हूँ कुछ ऐसे. एंड देन उसके बाद मैं शिफ्ट आर रिपीट कमांड कर देता हूँ कुछ ऐसे. ठीक है, उसके बाद फिर से मैं इसे मीडियन पॉइंट पे सेट कर देता हूँ. फिर मैंने ये चारों सिलेक्ट कर लिए, आप यहाँ देख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद मैं इस पर लगाऊंगा अब स्क्रू मॉडिफायर. तो अब देखिए जैसे ही मैं इस पर स्क्रू मॉडिफायर लगाता हूँ तो अभी आप कुछ ऐसा देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये एक्सिस हमारा ठीक है, जी एक्सिस पे हमें चाहिए बस, हमें खाली इसका एंगल सॉरी हमें खाली इसका स्क्रू इंक्रीज करना है. तो देखिए जैसे मैंने इसका स्क्रू इंक्रीज़ किया तो यहाँ पर हमारे पास अच्छा खासा एक रोप की शेप बन रही है, यहाँ आप देख सकते हैं. ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ से आप इसका हाइड्रेशन बढ़ा सकते हैं जिससे कि ये और अच्छे से बड़ी हो जाए. ठीक है, एंड अगर ये चीज़ें आपको थोड़ी प्रॉब्लम दे रही हैं तो आप एडिट मोड में जाके सबसे पहले उनको ठीक कर सकते हैं. तो ऐसा हमारा काम करता है स्क्रू मॉडिफायर. एंड जैसे मैंने आपको ये स्प्रिंग वाला करके दिखाया था, काफ़ी कूल था ये, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है इसे यूज़ करना. देखिए हम काफ़ी अच्छे से इसमें इफेक्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं कुछ ऐसे. ठीक है, तो ये था हमारा स्क्रू मॉडिफायर एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड इस वीडियो के नीचे अपने अच्छे अच्छे कमेंट करिए एंड लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके. एंड प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है. तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरी मैम हेल्प कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा. एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में. नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा स्किन मॉडिफायर के ऊपर, एंड काफ़ी अच्छा मॉडिफायर है एंड बहुत ही छोटी वीडियो होगी इसके ऊपर क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. देन सॉलिडिफाई के लिए आप रेडी हो जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडिफायर है एंड मैं आपको अच्छे से इसमें बताने वाला हूँ. देन उसके बाद सब डिविज़न एंड मल्टी रेजोल्यूशन जो मैंने आपको बताया था कि ये छूट गया, इन दोनों को मैं एक साथ बताऊँगा. ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. सो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइज़.